ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें दो चीज होने चाहिए। पहला चीज होना चाहिए केंद्रीय कोण यानी थीटा की जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका त्रिज्या। इस सवाल में ना तो हमें केंद्रीय कोण थीटा की जानकारी है और ना ही हमें वृत्त की त्रिज्या की जानकारी है। तो आइए हम पता करते हैं कि हम कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करें। तो मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, यह इसका केंद्र है, तो केंद्र के द्वारा जो क्वाड्रेंट है चतुर्थांश है ये कोण बनाया जाएगा। तो वृत्त को मान लीजिए हम चार भाग में बांटते हैं, इसका चतुर्थांश ये होगा। हम जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का होता है, चतुर्थांश मतलब फोर्थ, वन फोर्थ, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री, यानी हमने थीटा निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा चीज जो आर निकालना है, बिना आर के हम तो बना नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या दिया है परिधि, लेकिन आर नहीं दिया, तो परिधि के माध्यम से हम आर निकालेंगे। परिधि क्या दिया है इस वृत्त की, परिधि वृत्त की परिधि बराबर 2πr, और परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2πr। तो फाइनली हम आर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 22, इसको और सॉल्व कर दीजिए, 2 × 22/7 × r, तो फाइनली हो जाएगा 22 × 7/2 × 22 इज इक्वल टू r। ये होगा, ये r निकाल लिए, 22 कैंसिल अगर हो जाता है तो r का वैल्यू हमारा क्या हो गया 7/2, यानी r हमने निकाल लिया, थीटा हमने निकाल लिया। अब इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं थीटा वाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह 90 लिखिए, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 7/2 × 7/2। इसको काट, इसको हम शॉर्ट करते हैं, ये हो गया 11 से कटेगा, है ना, 7 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर में 11 7 × 77 डिवाइडेड बाय 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला।